हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना व्हाट इज द कोल्ड वॉर। अब हम बात करते हैं द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स की। द टू सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही सुपर पावर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग हिस्सों में दुनिया के अपने प्रभाव को फैलाएं। इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलाइंस सिस्टम्स, अ स्टेट वॉज सपोज टू रिमेन टाइट टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइज। जब इस समय वर्ल्ड जो है दो अलायंस सिस्टम में बहुत शार्पली डिवाइडेड था, वहीं एक स्टेट से उम्मीद करी जाती थी कि वो अपनी प्रोटेक्टिव सुपर पावर के साथ जुड़ा रहे ताकि जो और सुपर पावर है या उसके जो अलायंस हैं उसका असर उस पर ना आए। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेज यूज द लिंक टू सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेज। जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इन अलायंसेज में, उन्होंने सुपर पावर के साथ जो अपने लिंक्स थे उनका इस्तेमाल किया अपने खुद के पर्पस के लिए। They got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको भी आपस में रीजनल नेबर्स जो थे उनके साथ दुश्मनी थी, तो ऐसे में उन्होंने अपने सुपर पावर लिंक का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें प्रोटेक्शन, वेपन और इकोनॉमिक एड का जो है वो प्रॉमिस मिल सके। The alliance systems led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. अब ये जो दोनों सुपर पावर्स थी, इन्होंने एक तरह से धमकी दे रखी थी कि वो पूरी दुनिया को दो कैंप्स में बांट देंगी। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। ये सबसे पहले इस डिवीजन की शुरुआत हुई यूरोप में। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोस ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। वो जो कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप की थी वो यूएस के साथ चली गई और जो ईस्टर्न यूरोप की थी उन्होंने सोवियत कैंप ज्वाइन कर लिया। दैट इज वाई These were also called the Western and the Eastern Alliances. इसीलिए इसको जो है Western और Eastern Alliance कहते हैं। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. ये जो Western Alliance था, इसको एक organization की form में दे दिया गया, the North Atlantic Treaty Organization, और ये existence में आया April 1949 को। It was an association of 12 states, which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. ये जो North Atlantic Treaty Organization बनी थी, इसमें 12 states थे, जिन्होंने ये declare किया कि अगर कोई armed attack होता है किसी भी के ऊपर यूरोप के अंदर या North America में, ये माना जाएगा वो सब पे attack हुआ है। Each of these states would be obliged to help the other. हर state जो है वो दूसरे state की मदद करेगा। The Eastern Alliance, known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. अब दूसरी तरफ क्या था Eastern Alliance? उन्होंने नाम दिया उसको Warsaw Pact, और इसको लीड कर रहा था Soviet Union. It was created in 1955, and its principal function was to counter NATO's force in Europe. और इसको जो क्रिएट किया गया वो 1955 में, और इनका जो मेन फंक्शन था वो ये था कि अगर NATO की फोर्स जो है यूरोप पे हमला करे तो उसको काउंटर अटैक करना है। International alliances during the Cold War era was determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the similar states. ये जो international alliance हुई cold war era के दौरान, ये basically जो superpowers थी या उनकी ज़रूरतों के लिए या जो छोटे छोटे states थे उन्होंने अपनी जैसी calculation कर रखी थी उसके basis पे हुई थी। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. जैसा कि हमें देखने से लगता है कि यूरोप जो है वो मेन अखाड़ा बन गया था दोनों ही सुपर पावर्स के जो बीच के झगड़े थे उनका। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। कुछ केसेस में क्या हुआ, जो सुपर पावर्स थी उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया ताकि कुछ कंट्रीज जो वो चाहते थे कि उनके साथ जुड़ जाएं उसके लिए उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड by a very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. तो ये सबसे सही एग्जाम्पल हमें मिलता है वो ईस्ट यूरोप में सोवियत यूनियन का मिलता है। सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपना जो प्रभाव था उसका इस्तेमाल किया ईस्टर्न यूरोप में। कैसे, क्योंकि उसके पास जो है बहुत बड़ी आर्मी थी और उस इलाके में जो भी कंट्रीज थी उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी उसने तैयार कर रखी थी ताकि जो ईस्टर्न हाफ है यूरोप का वो उसके ही कंट्रोल में रहे, यानी उसी के अंडर में रहे। इसलिए उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर खड़ी कर रखी थी। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
वहीं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में यानी जो मिडिल ईस्ट थी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसको कि बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएटओ या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। द सोवियत यूनियन एंड द कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद द रीजनल कंट्रीज सच एज द नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इधर सोवियत यूनियन और उसी के जैसी कम्युनिस्ट जो चाइना थी उन्होंने क्या किया, आपस में क्लोज रिलेशंस बनाए और उसमें जो है रीजनल कंट्रीज जो है उनको भी शामिल कर लिया जैसे कि नॉर्थ वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है या इराक था। द कोल्ड वॉर थ्रेटेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इंटू टू अलायंसेस। कोल्ड वॉर जो है एक तरह से लगातार धमकी दे रहा था, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी उससे ये पता चल रहा था कि वर्ल्ड जो है वो दो अलायंसेस में बंट जाएगा। Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब ऐसे हालात में बहुत से नए कंट्रीज थे जिनको अभी अभी आज़ादी हासिल हुई थी। अभी एक तरफ वो कॉलोनियल पावर्स जो कि ब्रिटेन और फ्रांस थी उनके चंगुल से निकल के आज़ाद हुए थे, अब उनको फिर चिंता सताने लग गई कहीं उनका ये जो फ्रीडम है ये फिर बहुत जल्दी जो है छिन ना जाए। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। जो अलायंसेस थे उनमें भी जो है टूटना, अलग हो जाना ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। कम्युनिस्ट चाइना क्वारल विद द यूएसएसआर टूवर्ड्स द लेट 1950s एंड इन 1969 दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अब कम्युनिस्ट चाइना जो है उसने यूएसएसआर से जो है झगड़ा कर लिया 1950 में और 1969 में दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध भी हो गया एक एरिया को लेकर, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है वो हो गया। द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज अ नॉन अलाइन मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंसेस। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जिसे कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। इससे क्या हुआ, जो अभी नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी वो उनके पास एक तरीका मिल गया जिससे वो इन अलायंसेस से अपने आप को बाहर रख सकती हैं। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीड एन अलायंस एट ऑल। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो सुपर पावर्स थी इनको अलायंस की जरूरत ही क्यों थी। आफ्टर ऑल विद देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड रेगुलर आर्मीज दे वर सो पावरफुल दैट द कंबाइंड पावर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका एंड इवन इन यूरोप वर नो मैच टू दैट ऑफ सुपर पावर्स। जिन सुपर पावर कंट्रीज के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अपनी आर्मी है, तो वो अपने आप में ही बहुत ताकतवर हैं। और अगर वो जो है मतलब कंपैरिजन करें तो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं एशिया में, अफ्रीका में या इवन यूरोप में भी, अगर उन सबको भी कंबाइन कर दिया जाए तब भी वो जो है इन सुपर पावर्स के मैच के बराबर नहीं बैठते, तो फिर इनको अलायंस की ज़रूरत क्यों थी। येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। अब जो सुपर पावर्स थी इनको अगर और जगह अपनी पकड़ बनानी है तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ये बहुत एक तरह से हेल्पफुल थे उनके लिए। कैसे, कहाँ कहाँ उनको पकड़ बनानी थी, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। अलाइज होंगे तो फायदा क्या है, उनके यहाँ जो ऑयल्स या मिनरल्स हैं उनके ऊपर ये जो है कंट्रोल कर सकते हैं या उनसे ले सकते हैं। टेरिटरी फ्रॉम वेयर देयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। उनको एक टेरिटरी चाहिए जहाँ से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकें। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, एक ऐसी लोकेशन जहाँ से वो दूसरी राइवलरी कंट्री पर नजर रख सकें। एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल अलायंस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी मदद चाहिए क्योंकि जो छोटे छोटे अलायंस होते हैं वो खूब सारे एक साथ अगर मिल जाएं तो वो मिलिट्री खर्चा जो है उसमें देने में मदद कर सकते हैं। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स। विचारधारा के तौर पर देखा जाए तो उसके लिए भी वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। द लॉयल्टी ऑफ द अलायंस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। ये जो लॉयल्टी थी अलायंस की, इससे ये भी पता चलता है कि जो सुपर पावर्स हैं वो एक तरह से अपने आप में वॉर्स जीतती चली जा रही थी। एक वॉर जो विचारों का था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी या जो कैपिटलिज्म है वो क्या बेटर है सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से या उसका विपरीत है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, वो हम करेंगे अगले वीडियो में।